बीजेपी और आप मतलब कब जारी करेंगे? अति शीघ्र। थोड़ा लंबा सेंटेंस बोलना पड़ता है टीवी में, एक मतलब दो चार लाइन तो बोलो, चले जो अति शीघ्र भोपाल के निकाल कर अति शीघ्र, मतलब इसका इतना ही उत्तर होता है। क्या होगा निश्चित रूप से भोपाल का विकास, समृद्धि, भोपाल में सुख और शांति और बाकी चीजें आपके समक्ष जल्दी आएंगी। अभी मैंने बोला है। दीदी आपने बोला है कि राम मंदिर निर्माण जरूरी है और आपका भी एक बड़ा रोल था राम मंदिर के लिए, और आपने बोला कि विवादित ढांचा जो गिराया गया उसको गिराने को भी आपने गर्व। मैं बिल्कुल गई थी, ये मैंने कल भी कहा है, मैं उससे बिल्कुल ही पलट रही, क्योंकि मैं गई थी, ढांचा तोड़ा था और मैं भव्य मंदिर बनाने जाऊंगी, बिल्कुल पूर्ण आत्मविश्वास के साथ बोल रही हूँ। ये मेरे राम जी हैं, मेरे आदर्श हैं, मेरी श्रद्धा है, मेरी भक्ति है, राम राष्ट्र है, राष्ट्र राम है, इसलिए भव्य मंदिर बनाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन विवादित ढांचा गिराने में भी आप? मैं गई थी, काय का विवादित ढांचा, हमारे राम जी का मंदिर है, भव्य मंदिर बनाएंगे, पुनर्निर्माण करेंगे उसका। लेकिन चुनाव आयोग का कह रहा है कि धर्म और जाति के नाम, मैंने कह दिया अपना विषय, अब आप बताइए, जिसको जो कहना है कहे, मैं सिर्फ अपनी बात कह रही हूँ, बताइए। दीदी बीजेपी कम से कम इस पे स्पष्ट तौर पर नहीं बोलती है, हमेशा उनसे राम थे, जब मुझे पता चला कि होता है भक्त अपने उसमें कुछ भी लिख देते हैं तो वो अधिकृत नहीं माना जाता, उनकी वो अपनी भावनाएं रहती है, लेकिन इसको मैंने प्रारंभ किया है, ये हमारा अधिकृत ट्विटर है। कोई लिखा जाता है आपकी तरफ से, लिखा जाता है उसको कैसे आप खंडन करेंगे क्या बार बार किस चीज को लिख देता है आपकी तरफ से? बात नहीं, मेरे जो अकाउंट है वो विधिवत है, ठीक है ना, वो मैंने इसलिए आज अनाउंस किया है उसका। छत्तीसगढ़ के सीएम ने सभा में बोला है छत्तीसगढ़ में कि आप वहाँ एक बार गई थी, किसी को चाकू मार दिया था, आज अखबार में टीवी में सब जगह ये आया है बयान, आपने भी शायद पढ़ा होगा। नहीं मैंने नहीं पढ़ा भी, हाँ लेकिन आप कह रहे हैं तो गलत नहीं कह रहे होंगे, बताइए क्या कहा उन्होंने? कहा कि आप वहाँ गई थी किसी को चाकू कार्यक्रम में गई थी तो आप आवेश में आके आपने चाकू मार दिया था, लोग बीच बचाव नहीं करते तो उसकी मौत हो जाती है, उसने बयान सभा में दिया है। प्रमाण दिया? नहीं प्रमाण नहीं, बयान ने क्या प्रमाण नहीं बयान दिया। देखिए जनता के द्वार बीच में, समाज के बीच में मुझे वो, पहले तो उन्होंने आतंकवादी सिद्ध कर दिया, ठीक है ना, अब चाकू मरवा दिया, पता नहीं क्या क्या करेंगे, आगे देखते जाइए। जेल में थी और कुंभ के दौरान आपने परमिशन मांगी थी राज्य सरकार से निशान के लिए, उसमें राज्य सरकार ने परमिशन नहीं दी। नहीं कोर्ट ने दी थी मुझे परमिशन, कोर्ट ने दी थी, और मैं राज्य सरकार से नहीं मांग सकती थी क्योंकि मैं जेल में थी, और जेल के द्वारा कोर्ट में मैं एप्लीकेशन लगा सकती थी, तो मैंने कोर्ट में लगाई थी, कोर्ट ने अनुमति दी थी, मैं गई भी थी। शिवराज सिंह जी के खिलाफ जो है असंतोष जाहिर किया था? नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हाँ बस इतना जरूर था कि मुझे जाने में विलम्ब हुआ था और वो हुआ था तो, पर मैं गई भी थी। दीदी नॉमिनेशन कब फाइल करेंगे और किस तरीके से होगा पूरा कार्यक्रम? 23 तारीख को मैं अपना फॉर्म भरूंगी और बाकी की जानकारी मैं आपको फिर से दूंगी। क्या अभी भी आप अपनी रेडियो में अपने भाषणों में धर्म का और इसके नाम पे वोट मांगेंगी? मैं आपको इसके बारे में पुनः बताऊंगी। दीदी अभी मैं सबके सामने ये अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की तरफ से मातृशक्ति की तरफ से दीदी को समर्थन है हमारा, पूरे भारत मंदिर को लेकर सवाल किया जाता है तो वो ये कहते हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और वहाँ से जो भी निर्णय आएगा हमको सर्वमान्य। आप कह रही है कि नहीं हम तो बनाएंगे, हम भव्य मंदिर बनाने जाएंगे। आपके पास कोई और विषय है तो बताइए, हमने अपनी बात कह दी। आपने कोई विजन विजन तैयार किया है क्या राम मंदिर के निर्माण को लेकर? नहीं, राम मंदिर निर्माण को लेकर के सब मिलकर के विजन तैयार करेंगे। हाँ कल मुझे चुनाव आयोग का एक नोटिस मिला है, राम मंदिर मामले में भी मिला है, उसका जवाब बिल्कुल कानूनी तौर पर विधिवत दिया जाएगा। प्रदेश सरकार आपको सहयोग नहीं कर रही है रोड शो के लिए, आपने कल आए थे, परमिशन नहीं मिली? हाँ नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें ये भय है, वो समझ रहे हैं इस चीज को और वो नहीं चाहेंगे कि हम किसी भी प्रकार से जनता से मिले। एक तो एक तरह से तो उन्होंने मुझे तोड़ ही दिया है कि मैं स्वयं से चल नहीं पा रही हूँ, जहाँ व्यक्ति चल करके और अपने मंच पे पहुंच जाता है, लोगों से डोर टू डोर मिल लेता है, व्यक्तिगत मिल लेता है और जल्दी जल्दी मिल लेता है, जहाँ 2 मिनट लगते हैं लोगों को सामान्य स्थिति में, वहाँ मुझे कम से कम 15 से 20 मिनट लगते हैं। तो निश्चित रूप से उन्होंने हमें बाधित तो पहले भी किया है,
और शरीर की इस प्रकार की स्थिति कर दी है कि मैं स्वयं से खुद करके मंच पे भी नहीं चढ़ पाती हूँ, तो कोई बात नहीं। मैं कहती हूँ कि दुश्मन कितनी भी तैयारी कर ले, दुश्मन कितना भी विरोध कर ले, विरोधी हमारे कितना भी विरोध कर ले, किंतु 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 धर्म जीतता है और जीतेगा। लेकिन आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, जब जो भी लोग चुनाव में जाते हैं आदर्श आचार संहिता ये कहती है कि आप किसी भी धर्म का या किसी ऐसी वाणी नहीं बोलेंगे जिससे कि दूसरे को ठेस पहुंचे। भैया मैं अपने धर्म की बात कर रही हूँ, मैं सन्यासी, सुनिए सुनिए, मैं सन्यासी हूँ, मैं अपने धर्म में हूँ, मैं अपने धर्म की बात कर रही हूँ, मैं अपने प्रभु राम जी की बात कर रही हूँ, मैं अपनी निष्ठा की बात कर रही हूँ, मैं अपने आस्था की बात कर रही हूँ। इसमें किसी को तकलीफ होती हो तो हुआ करे, मुझे क्या फर्क पड़ता है इससे। मतलब चुनाव आयोग को नहीं मान रही हैं आप, कैसी बात कर रहे हो? मैं क्यों, मैं अपनी बात कर रही हूँ। तो उनके नियम के अनुसार आदर्श, आप किसी और से कह सकते हैं क्या ये बात कि आप अपनी नमाज मत पढ़िए, आप अपने चर्च मत जाइए, आप मंदिर मत जाइए, कह सकते हैं किसी से? कौन रोक रहा है? तो फिर राजनीतिक शब्द कहाँ, राजनीतिक शब्द भाई, मैं बोल रही हूँ कि आपने भाई वहाँ पे चढ़ के आपने तोड़ा, आप मंदिर बनवाएंगी, तो इससे पहले भी अभी सुनिए, मैंने जो कहा है मैं अपनी बात पर अडिग हूँ। चुनाव मैदान में उतरने पहले भी महिलाओं को आपसे बहुत अपेक्षाएं, बिल्कुल अपेक्षाएं हैं, इसके लिए आप महिलाओं को सुरक्षा के लिए क्या करेंगे? बिल्कुल, हम पूर्ण प्रयत्न करेंगे, जैसे भी होती है, मैं जब समय आएगा तो मैं उसके लिए अच्छे से अच्छा जो हो सकता है वो मैं सब करूंगी। जी आप बोलेंगे कि आप तो अपनी बात कर रही हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने आपको दो नोटिस जारी कर दिए और वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आचरण आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन है, तो क्या आप मानती हैं? मैं उसको मैं उस नोटिस का विधिवत जवाब दूंगी। लेकिन आपको लगता है कि आपने कोई उल्लंघन नहीं किया है किसी भी तरह? मैं उसका विधिवत जवाब दूंगी। इससे पहले भी यहाँ पे कई लोगों पे आचार संहिता का उल्लंघन करने मामले में योगी आदित्यनाथ पे, मायावती पे, इनको रोक लग चुकी है प्रचार करने की, क्योंकि उन्होंने भी कहीं ना कहीं धर्म। देखिए ये मैंने कहा ना, मैंने कहा कि विधिवत जो होता है वो होना चाहिए और होगा, धर्म का इस्तेमाल होना चाहिए राजनीति में और चुनावी रैली में। मैंने अपनी बात कह दी है, अब इसमें मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। ऐसा नहीं लगता कि आप हेमंत करकरे के हेमंत करकरे का विषय पटाक्षेप हो चुका है, मैं उस प्रश्न पे उस बात पे भी कुछ नहीं कह रही हूँ। नहीं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, मैंने अपनी पीड़ा कही है, अपनी पीड़ा कही है, उसमें कहाँ दिक्कत है? राकेश सिन्हा जी आए थे मिलने, आपसे कोई समझाइश दी है क्या उन्होंने? कब आए थे राजनाथ सिंह? राकेश सिन्हा जी मिलने आए थे, सहृदय भेंट थी हमारी, मैं चुनाव लड़ रही हूँ, वो हमारी पार्टी के सांसद हैं, निश्चित रूप से हम उनसे अच्छे से। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि उनकी डिक्शनरी में हिंदुत्व नाम का कोई शब्द नहीं है, लेकिन तो यही तो मैं भी कह रही हूँ कि उनकी डिक्शनरी में हिंदुत्व नाम नहीं है, उनके जीवन में हिंदुत्व तो नहीं है, इसलिए फिर वही सिद्ध कर रहे हैं कि मैं हिंदू हूँ, सच्चा हिंदू हूँ। ये दुई अर्थी बातें, ये दोहरा चरित्र है, वो स्पष्ट दिख रहा है। सवाल क्या लगता है कि बीजेपी आपके बयानों से किनारा कर रही है, जैसे उन्होंने जिसको आप कोई भी परिभाषा दे दें, जबकि ऐसा नहीं है। तो उनकी डिक्शनरी में किसका नाम लगता है आपको? ये तो वही जाने ये तो वही जाने। हाँ, लेकिन लेकिन मेरा एक ट्विटर प्रारंभ किया है मैंने, और मी साध्वी प्रज्ञा इस नाम से वो विधिवत है और वो मेरे ऑफिस से ही चलाया जाता है। नहीं, वो तो हमारे भक्तों के और हमारे फैंस के, हमारे जो भी शिष्य हैं वो सब चलाते होंगे, और इसलिए बहुत से